तुम्हारी नजरों में हमेशा शगो शुबात क्यों होते मेरे लिए? कहता तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि अल्लाह ने सिर्फ हमें एक दूसरे के लिए बनाया? वो सब ठीक है सैम, लेकिन मैं इस तरह सबसे छुपकर आपसे इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती। ओके ठीक है, बस सोच लो, सोच लो, अगर तुमने इसको अपने आप से जुदा किया ना तो मुझे लगेगा तुम किसी और को पसंद करती हो। नहीं, मैं किसी और को नहीं पसंद करती। सच? सिर्फ मुझे पसंद करती है। मैंने अपने तरीके से तुम्हें प्रपोज कर दी, तब आगे तुम्हारी मर्जी। इसको अपने आप से जुदा नहीं करोगी तो इसका मतलब कि तुम्हें मेरा प्रपोजल कबूल है। कल अम्मी पापा आएंगे, चाचा जान से बात करेंगे और फिर मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा पापा? पापा? क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपको कुछ पता भी है बात कहां तक पहुंच गई है? किसकी बात? मामा यार, साइम और रिदा की बात करी। और किसकी बात? क्या किया उन्होंने? अभी साइम ने मेरे साथ गोल्ड की रिंग परचेज की और मुझे पूरा यकीन है कि वो ये रिंग रिदा को देने गए। नहीं बेटा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा बेटा अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मेरे बगैर कैसे कर सकता है? चले, आपकी ये खुशफहमी भी अभी थोड़ी देर में दूर हो जाएगी। वो कैसे? आप मेरे आने की खुशी में चाचा चाची को डिनर पे इनवाइट कर लें। बेटा, उन्हें डिनर पर तो मैं पहले ही इनवाइट करके आ चुकी हूँ। तो ठीक है ना, अभी चाचा डिनर पे आएंगे तो देख लीजिएगा कि वो रिंग रिदा के हाथ में है या नहीं। मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो कुछ दिन रहने के लिए हमारे पास आ गई। बाबा, आप मुझे मिस कर रहे थे? बेटा, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं, बहुत ज्यादा। तुम्हें पता, तुम्हारे बगैर तो मुझे इस घर में जैसे कोई रौनक नजर ही नहीं आती। मेरा बस चले ना बेटा, कभी भी मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल ना होने दूं। इसका मतलब है आप सिर्फ फरिया आप ही से मोहब्बत करते हैं? मुझे तो कोई मोहब्बत ही नहीं करता, कोई पसंद ही नहीं करता, इसलिए सब खुद से दूर भेजना चाहते हैं मुझे।